90 के दशक में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की जोड़ी काफी हिट थी। दोनों की सबसे चर्चित फिल्मों में फिल्म मोहरा का नाम शामिल है, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्मों में साथ काम करते हुए रवीना और अक्षय रियल लाइफ में करीब आ गए थे। आगे की कहानी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने जल्दबाजी में सगाई भी कर ली थी, हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया और 1998 में दोनों अलग हो गए। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में रवीना से अक्षय से एंगेजमेंट के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, हम मोहरा के दौरान एक हिट जोड़ी बन चुके थे। आज भी जब हम किसी सोशल इवेंट में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम खूब बातें करते हैं, हर कोई आगे बढ़ जाता है। लड़कियां कॉलेज में एक एक हफ्ते में बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। यहां पता नहीं क्यों एक एंगेजमेंट का टूटना मेरे दिमाग में अटका हुआ था। हर कोई आगे बढ़ जाता है, लोगों के तलाक हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। हाल ही में रवीना ने अक्षय के साथ हिट गाने टिप टिप बरसा पानी की शूटिंग के बारे में भी बात की। रवीना ने इस दौरान बताया कि गाने की शूटिंग के वक्त उन्हें 102 डिग्री बुखार था, क्योंकि इस गाने की पूरी शूटिंग उन्होंने बारिश में भीग भीग कर की थी। फिल्म की शूटिंग गोवा के एक जेल में हुई थी। उस वक्त बारिश का मौसम नहीं था, जिस कारण नकली बारिश का जुगाड़ करके इस गाने को शूट किया गया था। मेकर्स को पानी के टैंकर का जुगाड़ करना पड़ा था। गाने के एक सीन में रवीना को जिस फ्लो पर फिसलना था वो इतना खुरदुरा था कि उसके कारण उनके घुटने छिल गए, उनके पाँव में कील चुभ गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डांस करना नहीं छोड़ा। आखिरकार कड़ी मेहनत और मुश्किलों के बाद ये गाना बनकर तैयार हुआ।